एक महिला ने ऐसे पी लिया जिससे उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पुलिस ने पति और सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाली नवविवाहिता अंजलि पति वीरू सोलंकी द्वारा पति सास ससुर के प्रताड़ना से परेशान होकर उसने एसिड पी लिया था जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच में ये बात सामने आई कि पति वीरू सोलंकी और उसके माता पिता नवविवाहिता को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, दहेज दिलाने के लिए दबाव बना रहे थे, जिस पर से पुलिस ने पति सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने पति व सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के राऊ पुलिस ने एक ऐसी फर्जी एडवाइजरी गैंग को गिरफ्तार किया है जो लोगों को मुनाफा कमाने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस आरोपियों से 13 लाख रुपए नगद, 25 मोबाइल, 10 लैपटॉप, 2 कार और कई प्रॉपर्टी के कागजात जब्त कर चुकी है। वहीं अलग बैंक अकाउंट में 5 करोड़ से अधिक की ट्रांजेक्शन की जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। दरअसल असम राइफल के सैनिक सौरभ कुमार मिश्रा ने राऊ पुलिस को शिकायत की थी कि उन्हें एक नंबर से कॉल आया था और फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर अच्छा मुनाफा देने पर पैसे इन्वेस्ट कराए और फिर बाद में फोन स्विच ऑफ कर लिया। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और गैंग के मुख्य सरगना पवन तिवारी और पूजा थापा तक पहुंच गई। पूछताछ में पता चला कि इन लोगों के द्वारा लॉकडाउन के बाद से कुल 10 लोगों को एक साथ मिलाकर एक ही फर्जी एडवाइजरी से अलग अलग लोगों को कॉल करके उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में कुछ 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंदौर बाणगंगा थाना क्षेत्र में प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के कालिंदी गोल्ड में रहने वाले फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि आनंद ठाकुर से उसने प्लॉट का सौदा किया था जिसके एवज में उसने 20 लाख रुपए लिए थे। वहीं रजिस्ट्री का समय आने पर आनंद ठाकुर द्वारा ना तो रजिस्ट्री कराई गई और ना ही रुपए लौटाए गए, जिस पर से फरियादी ने पुलिस की शरण ली और आनंद ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर में 3 मंजिला इमारत की छत से नीचे गिरने से महिला की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। छतरीपुरा थाना क्षेत्र के समाजवाद नगर में रहने वाली 42 वर्षीय महिला विद्या परमार अपने ही घर की बहुमंजिला इमारत से अचानक नीचे गिर गई, जिसके बाद गंभीर अवस्था में महिला को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से पुलिस ने सूचना मिलते ही मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है महिला मानसिक रूप से भी बीमार थी। हालांकि ये आत्महत्या है या एक्सीडेंट, इसको लेकर पुलिस अपनी जांच कर रही है। बलवाड़ी में मौसम बदला और लोगों को गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिली। आसमान में बादल छाए रहे और मौसम में ठंडक घुली। बदला बलवाड़ी क्षेत्र में गुरुवार को सुबह से ही मौसम के मिजाज अचानक बदले नजर आए। आसमान पर बादल छाए रहे और पूरे दिन सूरज नजर नहीं आया। शाम 5 बजे से क्षेत्र में तेज बूंदाबांदी होने लगी। मौसम में कुछ ठंडक है, वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं, क्योंकि गर्मी में वो सोयाबीन और मक्के की फसल काटने को तैयार हैं। वरला बलवाड़ी सहित ग्रामीण अंचलों में भी शाम 5 बजे से बूंदाबांदी भी कई क्षेत्रों में हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत। बीजासन घाट क्षेत्र में ओवरलोडिंग, गन्ने से भरी ट्रॉली का परिवहन धड़ल्ले से जारी है। जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। बीजासन घाट के ऊपर जामनिया गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टायर पलटने से असंतुलित होकर पलटी खा गया। पूर्व में भी बीजासन चौकी के पास गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रिवर्स आकर पलटी थी, जिससे चालक का पैर फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद भी ओवरलोडिंग, गन्ने से भरी ट्रॉली का परिवहन बीजासन चौकी के सामने से धड़ल्ले से जारी है। चालक सोमनाथ के अनुसार गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सिरपुर महाराष्ट्र से भरकर बड़वानी जा रहा था, तभी ग्राम जामनिया के पहले अचानक ट्रैक्टर का बड़ा टायर फूटने से संतुलन बिगड़ने से रोड पर वो पलटी खा गया। दुर्घटना के बाद सवाल बीजासन पुलिस पर उठ रहा है, आखिर पुलिस ओवरलोड गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली के परिवहन को रोक क्यों नहीं पा रही है। पाटी खरगोन सेंधवा में धार्मिक जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद थाना परिसर में एसडीएम और एसडीओपी की उपस्थिति में दोनों समुदाय के लोगों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें लोगों से आगामी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि शांति समिति की बैठक को लेकर व्यापार व्यवसाय और कानून व्यवस्था बनाने को लेकर चर्चा की गई, साथ ही सभी लोगों को जिम्मेदारियां भी दी गई, जिसे लेकर उन्होंने भी सहमति जताई। दुकान लगाने और स्थान को लेकर एक मामला संज्ञान में आया है, उसे लेकर भी व्यापारियों से चर्चा की गई और उन्हें समझाइश दी गई, जिस पर सभी ने सहमति जताई। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद पहली बार पहुंचे प्रभारी मंत्री कमल पटेल एसपी सिद्धार्थ चौधरी के घर। उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने पहुंचे। इस दौरान एसपी चौधरी से मुलाकात करके मंत्री पटेल ने उनके कुशलक्षेम पूछे और घटना की आपबीती सुनी। गौरतलब है 10 अप्रैल को पथराव, आगजनी और हिंसा के दौरान पैर में गोली लगने से एसपी चौधरी घायल हो गए थे। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल का कहना था, खरगोन का दंगा था सुनियोजित, उपद्रवियों ने एसपी तक पर हमला किया, लेकिन अब सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। इधर एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने मंत्री पटेल का आभार माना। चौधरी ने बताया कि पैर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, 4 सप्ताह के मेडिकल अवकाश पर हूं, 2 सप्ताह में ड्यूटी ज्वाइन करूंगा।
खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद अगजनी और हिंसा के बाद भड़के दंगे के बाद पहली बार दंगा पीड़ित क्षेत्र संजय नगर पहुंचे प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा दंगाइयों को कड़ी सजा सरकार दिलाएगी। पथराव आगजनी और हिंसा के साथ लूटना जघन्य अपराध, आतंकवादियों से कम सजा उपद्रवियों को नहीं मिलेगी। संजय नगर में बार बार दंगे को लेकर मंत्री कमल पटेल का कहना था कि अब दंगों की पुनरावृत्ति प्रशासन नहीं होने देगा, कठोर कार्यवाही करेगा। मौके पर मौजूद कलेक्टर अनुग्रह पी को मंत्री कमल पटेल ने नुकसानी की वसूली करने और आर्थिक क्षतिपूर्ति पीड़ितों को कराने की निर्देश दिए। पीड़ितों से मुलाकात के दौरान प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि सरकार आपके साथ है, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही सारे आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे।